सभी वर्ग को दगा दिया, लाल के सपनों को साकार करके दिखा दिया। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज हिसार के अंदर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हिसार की नई अनाज मंडी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्योंकि इनेलो पार्टी एक नई पार्टी बन करके दोबारा से उभर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का मानना है कि वो दोबारा से बुढ़ापे के अंदर भी जाते जाते एक बार ज़रूर मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी का कोई भी दूसरा सब्सिट्यूट नहीं है। इसीलिए वो बीजेपी के आगे जाना चाहते हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं अब खत्म मान रहे हैं। हालांकि जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी जो है इनेलो पार्टी के अंदर से ही उभरी थी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का मानना है कि दुष्यंत चौटाला को भी लोग अब नकारने लगे हैं, इसलिए हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी दिखाई दे रही है और वो है इनेलो पार्टी। हालांकि जींद के अंदर 25 तारीख को एक बड़ा महासम्मेलन करने के लिए आज हिसार के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे थे और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको संबोधित करते हुए कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। हालांकि उन्होंने जात पात से ऊपर उठ के 36 बिरादरी के साथ चारों धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात कही है और सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल यूनिटल पार्टी के अध्यक्ष श्री नवर सिंह की रक्षी सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आकर मुझे अपनी बात करने का अवसर मिला। हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के भिजवाने आपको सुनकर जो होगा, ये जो शिकायत करने वाला था उसको भी हमारे साथ में साथ और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से कि वो प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल पार्टी लोकल पार्टी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आप कहते हैं मेरी गैर हाजिरी में आपने संसद को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोधी पक्ष की पार्टियां भी इस बात की सराहना करती कि संगठनात्मक दृष्टि से आज सारे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाम नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और आपको निमंत्रण देकर तैयार हुआ है, जेल से छुट्टी होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों को बधाई देने के लिए जो 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं उनके पास गया था और उनको विशेष रूप से इस बात की बधाई दे कि आपने संघर्ष करके देश के जनमानस में एक विश्वास पैदा किया। और मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब मैंने देखा इस आंदोलन में आज 36 जात के लोग शामिल, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी कारखानेदार मजदूर किसान और कबीरा 36 जात के लोग आज इस प्रशासन से जुटी होकर के आपके साथ जुड़े हुए।
इससे सबसे बड़ा नाम ये मिलेगा कि जो लोग जात पात का जहर फैला करके इस देश को बांटने का काम करते थे और राजनीतिक रोकियां सीधा करते थे, इस देश के लोगों ने अब उनको सबक सिखाने का एक निर्णय ले लिया। मुझे दुनिया के लगभग 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला और मैंने बारीकी से इस बात का अध्ययन किया कि सामाजिक तौर पर हमारे देश की जो छोड़ है दुनिया को और किसी को नहीं। आज हम सभी लोग मिलकर के आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से हमारे तीज त्योहारों को मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, हम सभी लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके इस देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और यही एक वजह है कि गलत लोगों के हाथों में सत्ता आने का परिणाम आज ये समूचा देश में हो रहा है। आपको क्षमता के खातिर होगा कि हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, उस वक्त सरकार के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपए नकद छोड़ के आए थे और कर जाने के बाद सत्ता में बने हुए लोगों के गलत निर्णयों की वजह से लूट की नीति के कारण आज भारतवर्ष के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। 2.5 लाख इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, उस सब के लिए आज समुचे विश्व के स्तर पर आप बधाई के पात्र हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सब साहिर है कि आने वाला संयोग से सड़क से मैं जा रहा था, उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी और मुख्यमंत्री की कोठी की उस सड़क की सोनी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा इस खिड़की पर कोई है ही नहीं, उन लोगों ने कहा किसी की कोई बात सुनी नहीं जा, इसलिए लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। आपके सहयोग और समर्थन से, आपकी मेहनत से एक दफा हरियाणा प्रदेश में भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बनने का अवसर मिला। हमारी सरकार के वक्त में हमने उस गलत नीति को बदल दिया। लोग सरकार के पास ना जाए, सरकार लोगों के पास जा रही थी। तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम एक के गांव में जाते थे कि नहीं जाते थे, और गांव के लोगों के जो मांग होती थी उसे हाथ के हाथ पूरा करने का काम करता, इसलिए हमारे उस वक्त लोग आज याद करते। मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि आपके सरकार निश्चित रूप से भी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक अलग नकारा एक बना। जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नकारा होता है। आज हर जवान पर एक बात है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बना, और आपके संदेश को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस सरकार का पतन जल्दी हो जाएगा और उसका परिणाम इलाहाबाद का उपचुनाव, जिसे अब तक सरकार काम की जा रही, संविधान के मुताबिक हर 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट को भराया जाता है, लेकिन सरकार काम रही है, डरी हुई है कि हाँ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के मुकाबले में जो कोई भी जीतेगा करेगा उसकी जवान तब चल जाएगी, इसलिए वो चुनाव का काम करते हैं। लेकिन चुनाव तो कराना पड़ेगा, और चुनाव जब होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो कोई भी चुनाव लड़ेगा उन सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और
आगे निकलेगा तो सबका पक्ष में भागकर भाग रहे, इनके चुने हुए विधायक जो भाग रहे हैं वो और ज्यादा तेजी से भागने का काम है और सरकार अलग मत में हो जाए और अलग मत की सरकार नहीं चला करती कि निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपके सहयोग और समर्थन से आपकी मेहनत से इंडियन नेशनल लोकतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा कि समूचे देश में फिर आपकी नकल की जाए, सारे हिंदुस्तान में वातावरण बदलेगा और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज चल आई जाए और समूचे विपक्ष के लोग जो हैं आज इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे का गठन होने जा रहा है और तीसरा मोर्चा जब बढ़ेगा तो जैसे जात पात का दैर समाप्त हो गया है, 36 जात के लोग इस प्रशासन का अंत करेंगे और इस देश में एक नया वातावरण पैदा होगा। साथियों, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है, जैसा कि अभी नवीन सिंह जी ने आपसे कहा था, आप सबको मिलकर के लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए, जो लोग रास्ता भटक के गुमराह हो गए, जिनको बहका दिया गया है, उन लोगों को पुचकार करके नए सिरे से फिर आप अपने संघ में शामिल करो, दूसरी पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी शामिल करो और उनको ये विश्वास दिलाओ कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपको सारी सुविधाएं प्रदान होगी, जब संगठन आपका और ज़्यादा मजबूत होगा तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और आपकी सरकार जब बनेगी तो मैं हमारी सीधी भाषा में आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, रात मारो फिर तारे सारे वोट में काट दूंगा, कोई भी एक सोच है सत्ता के भूखे लोग, हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के बाद चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी रोटी कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया और इसके लिए वो संघर्ष में जूझते रहे। अब हम संकल्प किए हुए हैं या उनका संघर्ष पूरा उनका स्वप्न साकार करेंगे और उनके हितों के लिए लड़ाई करेंगे और देश में एक नया वातावरण कायम करेंगे कि देश का भाग्य विधाता खेत से जुड़ा हुआ किसान का बेटा होगा जो देश की सीमाओं की रक्षा भी करता है और देश में उत्पादन बढ़ा करके लोगों का भरण पोषण का काम भी करता है। नारे दिए जाते हैं जय जवान और जय किसान के, लेकिन राज का जब वक्त आता है जय बेईमान का दाम लग जाता है और उससे देश की हालत खराब हो जाती है। आज की सरकार के गलत निर्णयों को अगर उल्लेख करूँगा बहुत लंबा समय लग जाएगा, उसके लिए चर्चा 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर जो जीत में बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आप जीत पहुँचे, वहाँ एक निर्णय लिया जाएगा कि आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार की नीति हम तय करेंगे और किस प्रकार सरकार का गठन होगा, यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया। लंबा भाषण नहीं देना, भाषण सुनने के लिए आपको 25 सितंबर को बोलना है, लेकिन सब लोगों को जोड़ने का काम आप करें, सबको साथ लेकर के चले और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनको सम्मान प्रदान करने का वायदा दें, जो वायदा आप लेकर के आओगे वो वायदा पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, यही बातें करने के लिए आपने मुझे बनाया था, आप इतने भाई से रखा अपने जरूरी है, आप इस सोच का ही प्रेरणा है कि आपने अच्छा निर्णय लेने के लिए जो मन बढ़ाया उससे परमात्मा में प्रसन्न हुआ और बारिश हुई है, सावनी की फसल को इसका लाभ मिलेगा, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
बिलाल जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद। भाई थोड़े थोड़े पीछे हो लो, रास्ता बना लो, एक लाइन बना लो, लाइन बना लो, सबसे मिलने के लिए। जब भी ओम प्रकाश चौटाला से पूछा जाता है कि उनके जेल जाने के बाद और जेजेपी पार्टी के अलग होने के बाद कार्यकर्ता जो है अलग अलग होने शुरू हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनेलो पार्टी के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो चुके हैं, तो कैसे ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जता पाएंगे और कैसे इनेलो पार्टी को एक नए स्तर के ऊपर ले जा पाएंगे, इसी को लेकर के ओम प्रकाश चौटाला हमेशा कहते हैं कि जो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है वो खुले दिल से उसे अपना आएंगे और इनेलो पार्टी को बड़ा करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो भले ही हरियाणा की राजनीति में एक दिग्गज नेता है, लेकिन अगर उनकी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आती है। क्या 25 तारीख को महासम्मेलन के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग जुड़ पाएंगे और जो एलनाबाद का इलेक्शन है उसको लेकर के आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं, ये देखने के लिए जींद की महासम्मेलन से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।